चैनल में आपका स्वागत है। आज एक फिर हम नई वीडियो लेके आए हैं। i10 ग्रैंड डीजल है ये और टैक्सी है। ज्यादातर मैं अपनी गाड़ी जो भी दिखाता हूँ टैक्सी, यहाँ जितनी भी है मेरे फ्रेंड सर्कल में, तो अपन इसकी ये वीडियो ये है कि इसमें अपन व्हील कैप लगाएंगे होंडा अमेज ओल्ड वाली के, और उसे मॉडिफाई करके लगाएंगे। इसके रिम जो है सिल्वर आते हैं, दो रिम तो मैंने पेंट कर दिए हैं, उस तरफ के दिखा दूं। देख सकते हैं आप, ये सिल्वर रिम है, बेस मॉडल है इसलिए सिल्वर रिम है, और ये भी सिल्वर है। उस तरफ के मैंने पेंट कर दी, ये वाले आपको दिखाऊंगा कैसे करूंगा मैं पेंट, और व्हील कैप आपको दिखा दूं मैं। तो देखिए मैंने इस पे मास्किंग करके किया था, वो आपको बता दूंगा आगे वीडियो में। ये वाला थोड़ा ज्यादा शाइन कर रहा है क्योंकि ये ग्लोसी ब्लैक है और वो वाला मैट ब्लैक है। इस पे भी मास्किंग करी हुई, निकाल देंगे। अब व्हील कैप दिखा देता हूं मैं। तो ये अपने व्हील कैप ये देख सकते हो आप, इसे मैंने मॉडिफाई किया है, मतलब मास्किंग करके ग्लोसी पेंट किया है। चाहूं तो मैं अभी इस पे मैंने क्रोम नहीं किया, क्रोम वाला विनाइल, चाहूं तो क्रोम वाला विनाइल करूंगा, एक नंबर लुक आएगा। इसे अभी थोड़ा सा मैं लगा के दिखा देता हूँ कैसा लुक आ रहा है। तो आप देख सकते हो गाड़ी में एक नंबर लुक आ रहा है, मजे ही आ जाएगा। डायमंड कट टाइप का पैटर्न लग रहा है ये, और इस पे क्रोम कर दिया तो कोई दूर से पहचान नहीं पाएगा व्हील कैप है या अलॉय व्हील है। और आपको ये मैंने रिम पीछे वाला इसका ब्लैक इसलिए किया है। अब देखो सिल्वर वाले रिम में अगर इसे लगाएं, देखें कैसा लगता, मजा नहीं आएगा। ये सिल्वर रिम है ना, इसको मैं लगाऊंगा ना, मजा नहीं आएगा, उतना मजा नहीं आएगा, थोड़ा लगाना है। हाँ रुक, बस बस देखो, अब बीच में इसमें सिल्वर सिल्वर दिख रहा तो मजा नहीं आ रहा, इसलिए इसको रिम को ब्लैक करना पड़ा। आप चाहो अगर पेंट नहीं करना चाहते तो विनाइल भी कर सकते हो उस पर गैप में, जो हमने पिछली वीडियो में दिखाया है ओरा में किया था, ओरा में हुंडई की ओरा में। तो आपको ये प्रेस फर्स्ट स्टेप दिखा देता हूँ कैसे करना अपने को। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि ये सिंपल जो आप व्हील कैप देख रहे हो होंडा में ओल्ड वाली का, इस पे पहले मास्किंग करेंगे अपन। तो भाई मास्किंग के लिए मास्किंग टेप निकाल लेते हैं, ये मास्किंग टेप है अपना, इसको पूरा कवर कर देंगे। यहाँ जहाँ अपने को ब्लैक सिल्वर छोड़ना है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। चलो कटर लिया, कटर भी है, तो ये आ गया अपना कटर। बस दो ही चीजें लगेंगी इसमें मास्किंग करने के लिए। चलो इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हो मास्किंग अपने को कॉर्नर पे करना है, यहाँ ऐसे डिज़ाइन आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए उसको मास्किंग कर सकते हो। इसे मैं कॉर्नर पे कटिंग कर रहा हूँ मास्किंग करके, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। और तो फास्ट फॉरवर्ड इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कि वीडियो लंबी ना हो, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। इस तरह मैं आपको कर लेता हूँ, फिर फाइनल होता है फिर रिजल्ट दिखाता हूँ। तो भाई लोग, आपको व्हील कैप मॉडिफिकेशन करना है तो व्हील कैप ओरिजिनली है तो ही ज़्यादा मजा आएगा, लोकल में मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो जो भी मैंने मास्किंग थी इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है, ये देखिए पूरा जो भी ये एरिया है इसमें ब्लैक करूँगा, ग्लॉसी ब्लैक, बस ये लोगो रह गया। तो लोगो को भी मैं मास्किंग करूँगा क्योंकि ये टेप हो चुका है ख़त्म, वो फेंक दिया मैंने, ये टेप जैसे कि ख़त्म हो चुका है। अब दूसरा मैंने मंगाया, इसको मास्किंग कर दूंगा मैं, इसको पूरा ग्लॉसी ब्लैक कर दूंगा, फिर जो आपको लुक दिखाऊंगा तो नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाता हूं मैं। स्प्रे पेंट इस पे पेंट करेंगे। लोगो बचा था, लोगो भी मास्क कर दिया है, और टेप अपन दूसरा ले आए हैं नया एब्रो कंपनी का, ये देखो एक नंबर टेप है मास्किंग के लिए। अब करते हैं इसे पेंट, ये पेंट एब्रो का स्प्रे ब्लैक साइन, तो पकड़ना भाई मोबाइल। उधर पर रखते हैं अपन, वो कोक्शन चलते हैं, वीडियो सही नहीं बनेगी बाबू। और किसी भाई को अगर अपने व्हील के मॉडिफाई मेरे से ही कराना है तो वो कोरियर कर सकता है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, मैं उनका खुद फ़ोन कर लूँगा, नंबर अपना दे देना। और जो भी गाड़ियाँ मतलब व्हील कैप वाली उनको मॉडिफाई व्हील कैप करना हो तो भाई मेरे से कॉल करें, मैं खुद मतलब मॉडिफाई करके वापस कोरियर कर दूँगा उसी एड्रेस पर। वो भाई वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि और भी वीडियो आपके पास ऐसी आती रहेंगी।
और मैंने कम से कम 10 वीडियो व्हील कैप मॉडिफिकेशन में बना के रखी है। आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दूंगा पूरे में, तो आप देख सकते हो इंडिगो CS, अमेज और इन सब की वीडियो आई। पूरा इसको ब्लैक कर दिया है, जो मास्किंग टेप है ये आपको बाद में निकालते हुए दिखाऊंगा। ये हो गई अपनी सेकंड स्टेप और अब चलते हैं गाड़ी का रिम ब्लैक करने। चलो भाई, भाई जेक लगा रहे हैं हम, जेक लगाएंगे, टायर हो जाएगा ऊपर, हैंड ब्रेक हटा के फिर उसको घुमा घुमा देंगे और स्प्रे करते चलेंगे, तो फटाक से काम भी हो जाएगा और फिनिशिंग भी एक नंबर आएगी। जैसे कि आप देख सकती हो सिल्वर है, इस पर मास्किंग करेंगे चारों नट पे और ये कैप पे, और इतना इतना ही ब्लैक करेंगे अपन, ये छोड़ देंगे क्योंकि ये तो व्हील कवर में कवर हो जाएगा। तो रिम ब्लैक करने से पहले सबसे पहले इसे वॉश करेंगे, और वॉश आप किसी भी डिटर्जेंट से अच्छे से इसको साफ कर लें, उसके बाद ही पेंट करें। तो मैं इसको धो लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। टेप अभी मैं इसको चारों नट में मास्किंग कर दूंगा, और ये हुंडई के लोगों का जो कैप है इस पर। ये आप देख सकते हो हमने इस पे कर दिया है मास्किंग पूरी, जो जो हमको ब्लैक नहीं करना वो मास्किंग कर दी है। और आप चाहो तो इस पे विनाइल कर सकते हो, जो ब्लैक मैट फिनिश में आता है विनाइल, जहाँ जहाँ मतलब कैप आपको व्हील कैप में बैक सिल्वर दिख रहा है उसको विनाइल, जैसे मैंने अपनी इंडिगो में भी किया है और हुंडई ओरा में भी किया। वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो, लेकिन हम इसे ब्लैक ही कर रहे हैं। थोड़ा हम कपड़ा मार लें ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और पेंट अपनी पकड़ बना के रखे। जैसे कि आप देख सकते हो चारों रिम अपन ने पेंट कर चुके हैं और चारों व्हील कैप भी पेंट हो गए हैं। और आपको मैं बता दूं मेरे कितने स्प्रे डब्बे लग गए, 2 स्प्रे डब्बे लगे हैं, चारों व्हील कैप भी हो गए और चारों रिम भी हो गए। देखो ये देखो, एक तो हाथ में रखा है, 3 डिग्गी में रखे, चारों हो गए, चारों व्हील कैप और चारों रिम। और अब इसको लगाएंगे अपन सूखने के बाद, ताकि अभी थोड़ा सा अच्छे से पेंट निकले नहीं, इसको कल लगाएंगे। और भी इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें क्रोम हैंडल लगाएंगे और यहाँ पे ब्लैक करेंगे विनाइल, और इसकी जो ग्लास है ना ये वाइट करेंगे ताकि बेस मॉडल नहीं लगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो पेंट अपने रिम हो चुके हैं और व्हील कैप भी कंप्लीट हो गए हैं। अब बारी है इसमें फिट करने की, और हमने यहाँ मास्किंग की थी, ये टेप निकाल दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है स्प्रे पेंट की। तो अब जो अपना व्हील कैप है वो दिखा दूं मैं, कहाँ रखें, पूरा आना चाहिए। भाई इसका टेप निकाल रहे हैं हम, जो हमने मास्किंग की थी, ये देखिए एक नंबर लुक आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो कितना बढ़िया लुक आ रहा है, डायमंड कट बन चुका है, सिर्फ इसका क्रोम, वैसे क्रोम की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो कर भी सकते हो, क्रोम से और शाइनिंग आ जाएगी। तो ये रिम दिखा दो, हमने ये अपना रिम गंदा हो गया, इसको कपड़े से ही पोंछ लेते हैं और फिर इसको फिट करते हैं इसमें, रोक लो। हाँ तो ये है नट, और ये हुंडा का व्हील कैप, और गाड़ी है हुंडई की। तो ये देखो नट लगाएंगे ना, यहाँ से निकल सकता है ये, इसलिए इसमें लगेगा ये बासर इस टाइप का, ये टाइप का बासल लगेगा, ताकि इसमें यहाँ से अटक जाए, फिर ऊपर से नट लग जाए तो वो गिरे नहीं। ठीक है, अब लफड़ा ये हो रहा है, ये अड़ रहा है इसमें,
ये कटोरी अड़ रही है, देखते हैं इसका क्या इलाज। रोक ले तो भाई, ये निकाल दिया इसका कैप, यहाँ पे नट रहता है तो उसका ये कैप निकाल दिया ताकि ये जहाँ अड़ रहा था इसमें ऐसे करके तो ये बाहर आ रहा था। ठीक है, हुंडई का गाड़ी है और फील के होंडा का, इसलिए अगर होंडा की होंडा सिटी वगैरह होती पहले वाली कोई दिक्कत नहीं आती। चलो भाई ये फिट करते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, ये देखो एकदम परफेक्ट फिट आया। अब ये लगाते हैं, दो में बासल लगाएंगे, दो में नहीं लगाएंगे। फिटिंग विटिंग देख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं, थोड़ा रोक। भाई एक व्हील कैप हम लगा चुके हैं, देखो कितना बढ़िया लुक आ रहा है, एक नंबर। अब चारों लग जाए फिर दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो व्हील कैप हमारे लग चुके हैं, गाड़ी लग रही है एक नंबर, मजा आ रहा है, एक नंबर लुक आ गया व्हील कैप लगने से। अब इस पे नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसके हैंडल क्रोम, साइड ग्लास वाइट कर देंगे या क्रोम लगा देंगे, और इसके जो बी पिलर है इसको ब्लैक करेंगे, तब जाके लगेगी थोड़ा ऊंचे मॉडल की, नहीं तो साली बेई लगेगी बेस मॉडल। और ये सूट हम वहीं करने आए हैं जहाँ हम टगो बार करते हैं, ये देख लो दो बिल्डिंग, इतना बढ़िया वो आ रहा है व्यू, हरियाली हरियाली होगी पानी गिरने से। अब इसका थोड़ा सिनेमेटिक बना लें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और भी ऐसी व्हील कैप मॉडिफिकेशन की एक नेक्स्ट वीडियो क्रेटा की व्हील कैप पे आने वाली है। Please subscribe my channel.